जब जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों और वंचितों पर अत्याचार होगा, जब जब महिलाओं और युवाओं और किसानों और गरीबों के अधिकार छीने जाएंगे, जब जब अमीरों और गरीबों की नाप पाटी जाने वाली खाई इस देश में पैदा हो जाएगी, तो फिर एक आवाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के साथ, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में उठेगी और कहेगी कि न्याय का हक मिलने तक ये जंग जारी रहेगी। समिति के सम्मानित सदस्यगण, कांग्रेस शासित प्रदेशों के सम्मानित मुख्यमंत्रीगण, अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण, प्रदेश कांग्रेस कमेटी के सम्मानित पदाधिकारीगण और इम्फाल की इस ऐतिहासिक धरती पर मौजूद मेरे प्यारे और आदर के योग्य बुजुर्गों, भाइयों, बहनों, कांग्रेस के साथियों, राहुल गांधी जी के नेतृत्व में आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब के मार्गदर्शन में इस देश में एक नया इतिहास की संरचना करने के लिए भारत जोड़ो न्याय यात्रा की आज ऐतिहासिक शुरुआत इम्फाल। ये लड़ाई है राजनीतिक न्याय के लिए, ये लड़ाई है सामाजिक न्याय के लिए। श्री राहुल गांधी की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की आवाज हर उस व्यक्ति के साथ बुलंदगी से उठेगी, जब जब भीषणतम बेरोजगारी हमारे नौ, जब जब दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों, गरीबों, शोषितों और वंचितों पर अत्याचार होगा, जब जब महिलाओं और युवाओं और किसानों और गरीबों के अधिकार छीने जाएंगे, जब जब अमीरों और गरीबों की नाप पाटी जाने वाली खाई इस देश में पैदा हो जाएगी, तो फिर एक आवाज भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के झंडे के साथ, कांग्रेस के करोड़ों करोड़ों कार्यकर्ताओं की श्री राहुल गांधी के नेतृत्व में उठेगी और कहेगी कि न्याय का हक मिलने तक ये जंग जारी रहेगी। ये यात्रा एक प्रेम का संदेश भी है। आज नफरत के माहौल में, आज बंटवारे के माहौल में, जब इंसान और इंसान से रंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर, क्षेत्र के आधार पर इस देश की हुकूमत भेदभाव कर रही, जब इस देश के हुक्मरान मणिपुर की हिंसा के बारे में एक शब्द बोलने को तैयार नहीं, जब इस देश के हुक्मरान गरीबों और अमीरों की जो खाई बढ़ गई है उसमें दो या तीन उद्योगपतियों को सींचने में लगे हैं, तो आज इस देश की जरूरत है भारत जोड़ो न्याय यात्रा। इसलिए इम्फाल की इस ऐतिहासिक धरती पर मैं आप सबका स्वागत करता हूं और उम्मीद करता हूं कि इम्फाल मणिपुर से जो संदेश जाएगा वो पूरे देश में एक निर्णायक बदलाव लेकर आएगा। जय हिंद।